बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा 22 और 23 जून को आयोजित डिप्लोमा सर्टिफिकेट परीक्षा PEPM PMM 2024 रविवार को भागलपुर जिले के सभी 18 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा में 25,582 छात्रों ने भाग लिया। पहले दिन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की परीक्षा में 8,500 छात्रों ने भाग लिया, जबकि दूसरे दिन प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 8,700 और PMM के लिए 8,382 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी भी गड़बड़ी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी और उम्मीदवारों को केवल उचित प्रवेश पत्र और पहचान पत्र दिखाने पर भी प्रवेश दिया गया था। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार देर रात भागलपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक में गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी करने वालों की पहचान भी हो गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्रवण कुमार ने कहा कि गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा कद्दावर क्यों न हो, कोई नहीं बचेगा। जांच हो रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं। दोषी कौन है यह जांच के बाद सामने आएगा। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति या उनके साथ रहने वाला क्यों न हो, वह नहीं बचेगा। जब तक जांच होती है तब तक कोई इस पर तंज कसेगा ताकि सच्चाई सामने ना सके। मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, चर्चा का विषय स्वाभाविक है, कहीं गड़बड़ी कुछ हुई है और गड़बड़ी पता भी लग गया है और उस पर पूरी तरह से जांच हो रही है और जांच की कुछ फलाफल भी आए हैं, उसमें लोग पकड़े भी जा रहे हैं, तो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। कोई बचने वाले नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति रहे, चाहे कितने बड़े कद्दावर पर्सन क्यों नहीं हो, वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। और थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, सारा चीज़ सामने आ जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम दोषी हैं तो हमें जेल में डाल दें, लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे दोषी। तो जब जांच हो रही है तो कौन दोषी है कौन निर्दोष है तो सामने चीज आएगा। और मैं कहा कि इस तरह के कृत्य करने वाले लोग कोई नहीं बच सकते हैं, चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो या कितने प्रभावशाली व्यक्ति के साथ रहने वाले लोग हैं, वो नहीं बचेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तंज तो किसी पर विपक्ष कर सकता है, लेकिन जो जाँच हो रही है, जाँच में जो सच्चाई आएगी उसी पर कार्रवाई होगी। और जब तक जांच का पूरा फलाफल नहीं आता है तब तक कभी उस पर कोई तंज कसेगा, कभी उस पर तंज कसेगा। और सच्चाई सामने नहीं आए इसकी पूरी कोशिश लोग करते हैं, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। हर हालत में जांच का फलाफल आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई इसमें बचने वाला नहीं। सर, आगे इस तरह की घटना ना हो, सर उसके लिए सरकार तो कोशिश करती ही है, लेकिन गड़बड़ करने वाले लोग तो कुछ रहते ही हैं समाज में। कानून तो सबको रोकता है, इजाज़त नहीं देता है, फिर भी कानून को अंगूठा दिखा करके काम करते हैं। और जब पकड़े जाते हैं, जब उनको सजा होती है, जब उन पर कार्रवाई होती है। भागलपुर में आपसी विवाद का मामला लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ताज़ा मामला जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र का है, जहां शनिवार को एक व्यक्ति के चचेरे भाई ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र 0 माइल बहादुरपुर गांव की है। घायल पीड़ित कैलाश पासवान ने बताया कि वह अपने निजी काम से घर से निकल रहे थे, तभी उनके चचेरे भाई सागर कुमार आत्माराम पासवान और सागर की मां मनोरमा देवी ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन्होंने कैलाश की जमकर पिटाई भी कर दी। हमले में कैलाश के सिर में गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों ने उसे लहूलुहान हालत में रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल कैलाश ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने औद्योगिक प्रक्षेत्र 0 माइल थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। आरोपी चचेरे भाई की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है कि अगर उन्होंने शिकायत
की तो पूरे परिवार को गोली मार दी जाएगी। धमकियों से डरे समय कैलाश और उनके परिवार के लोग सीनियर एसपी आनंद कुमार से लिखित शिकायत करने एसएसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। वहीं एसपी ने पीड़ित को न्याय का भरोसा दिया है। कैलाश ने बताया कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। मामला क्या है? मामला रात में लगा पीट हुआ था, मेरा चचेरा भाई ने हमको मारा था। क्यों मारा था पूरा बताइए। क्यों मारा था? मेरा उसका जो बड़ा भाई था ना, मेरे भी वाइफ को ले भाग गई थी 5 महीना पहले। हम शाम में आए तनखा मिला था भाई, 10,000 रुपया लेकर आए थे। मेरा मम्मी जान दूर लाने से बच्चा रोने लगा, तो गुस्सा आ गया। हम 3 बार मेहनत करते हैं धूप में, मेरा बच्चा रो रहा है, कितना हमें लोग तकलीफ होता है। हम आपको कल इन्हें गाली देने लगा तो वो लोग भीड़ का मारने के लिए सागर ने क्या किया, मेरा बड़का ईटा उठा के नाव पटक दिया। उसका मम्मी भी नाव मारा है, उसका पापा भी नाव मारा है। प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन के पास गए थे जीरो मैं। क्या हुआ? वहाँ से दिया अर्जी लिखा के कि सदर में जाओ। सदर आए 11 बजे रात में, फिर 11 बजे 11:30 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ पर्ची दिए, फिर सुबह बुलाया। सुबह गए तो अर्जी कहाँ दिया था? हम दे दिए थे, फिर भी बोला वहाँ से लेकर आओ। फिर वहाँ से निकाले तो बोला को हो गया। एक बार और आवेदन दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा वहाँ से।